नमस्कार दोस्तों, यदि आप ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं जिनमें आप अगर इस वीक इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे, जो हमें उन लोगों की लिस्ट प्राप्त करने में मदद करेगी जो कल के लिए संभावित उच्च गति वाले स्टॉक हो सकते हैं। कल के लिए चुने गए मोमेंट्स स्टॉक 3 कारक विवेकपूर्ण मॉडल पर आधारित है। चलिए आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टॉक शुक्रवार को 6% से अधिक बढ़ गया है और लगातार 4th दिन ऊपर है। इस सप्ताह वॉल्यूम औसत से ऊपर रहा है और नए सिरे से खरीदारी की दिलचस्पी दिखा रहा है। ये वर्तमान में पूर्व धुरी पर कारोबार कर रहा है और अल्पावधि में बेहद तेजी है। तकनीक पैरामीटर मजबूत ताकत का संकेत देते हैं और अगले कारोबारी सत्र में स्टॉक के उच्च स्तर पर कारोबार करने की उम्मीद है। नाहर पॉलीफिल्म्स, अपने हाल ही में उच्च स्तर से लगभग 50% के भारी सुधार के बाद स्टॉक ने बाजार सहभागियों से ताजा प्रभाव देखा है, क्योंकि ये शुक्रवार को 15% से अधिक बढ़ गया। मात्रा कई गुना बढ़ गई है और 50 दिन की औसत मात्रा से अधिक हो गई है। इसके साथ ये अपने स्विंग हाई को पार कर गया और वर्तमान में दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस तरह की सकारात्मकता के साथ निकट भविष्य में इसके और उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, इस स्क्रिप्ट ने अपने 12 सप्ताह के कप पैटर्न से अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दर्ज किया है। ये इस सप्ताह 10% से अधिक बढ़ गया है और गति मजबूत है बहुत ज्यादा। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को पार करने वाला है और तेजी से उलटने की संभावना दिखाता है। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सकारात्मकता को देखते हुए अगले कारोबारी सत्र में ये गैप अप खोलेगा। स्टॉक मार्केट की कंप्लीट नॉलेज के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।